अब बताइए आवाज आ रही है कि नहीं। चमकू, चमकू बताएगा, चमकू बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो भाई मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ सही है। दो दिनों से स्पेशल पर क्लास नहीं चल रही है, आज चलेगी। वैसे मुझे लगता है 7-8 तारीख तक थोड़ी डिस्टरबेंस है रात वाली क्लास में, क्योंकि उधर पीएचडी वाला जो काम है एकदम सबमिशन के कगार पे। खैर चलिए आगे बढ़ता हूं। दो विषय हैं, मुझे लगता है दोनों विषय योग्यता ने भेजे क्या। एक विषय है मूनलाइट। मूनलाइट कुछ बच्चों ने कहा गुरुजी चांद चंद्रमा एनवायरमेंट इकोलॉजी कुछ पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, मैंने कहा मूनलाइट मेरे जीएस टू का विषय है। और दूसरा विषय है भूल जाने का अधिकार। अनिकेत कार्तिकेय का जो जीवन है, मतलब प्यार भरा जीवन है जिसमें हर जगह प्यार है गालिब है, उसमें भूल जाने का अधिकार बड़ा रेलिवेंट है। तो दो ऐसे विषय हैं बेटा जीएस टू से जुड़े हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा कि जो संवैधानिक समसायिकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल करंट अफेयर है, क्योंकि ये दोनों विषय बेटा आर्टिकल 21 से जुड़े हैं। इन दोनों को अपन पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, बहुत सारी चीज बतलाएंगे जो इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं बतलाता है। तुम लोग इंडियन एक्सप्रेस को चिट्ठी लिख सकते हो कि गुरुजी से मदद लिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है भाई, ठीक है। तो बिना आपके स्वागत के मैं कैसे बढ़ सकता हूं इस देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे? तो आप सभी का स्वागत है बेटा इस देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जब मैं कहता हूं क्यों हमें अनएकेडमी पर पढ़ना चाहिए, मैं डेली कहता हूं क्योंकि अनएकेडमी से अच्छा कुछ भी नहीं। ये सारे बड़े दिग्गज एजुकेटर आपके साथ है, अनएकेडमी पे है। मेरा नाम आत्मा प्रकाश सिंह है, आप सभी मुझे जानते हैं एपी सर के नाम से। अरे ये राइट टू बी फॉरगॉटन कैसे आ गया यहां पे? यहां लिखते हैं मून लाइटिंग पॉलिसी। ठीक है, जैसा नाम है मून लाइटिंग, मतलब अब चंदा कब निकलता है? रात को निकलता है। चांद की रोशनी कब होती है? रात में होती है। तो ये जो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉलिसी है, ये अमेरिकन है। अमेरिका में लोग रात में निकलते थे नौकरी के बाद, दूसरी नौकरी करने, काम धंधा करने, पैसा कमाने, इसीलिए बेटा इसे कहा गया मून लाइटिंग पॉलिसी। तो मैं शुरू करता हूं। जितने भी बच्चे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो सभी तैयार हैं बाय द टाइमिंग, और हम लोग क्योंकि साथ ही हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ जी, वेरी गुड, जल्दी 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 से। तुम लोग क्या यार जाड़े में सोए रहते हो क्या? क्लास की स्ट्रेंथ कम हो गई है। बाद में सारे बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा, हम कहते हैं क्लास में तो थे ही नहीं, कहते हैं गुरुजी ऑफलाइन देख लिए। गजब हाल है तुम लोगों का। निकिता वैदेही, चलो चलते हैं मून लाइटिंग को समझते हैं। देखो बेटा मैंने कहा मून लाइटिंग क्या है, सबसे पहला विषय ये है भारत में लीगल है कि नहीं। लेकिन क्या है, लीगल है कि नहीं, इसके लिए बेटा पहले यह समझना होगा कि मून लाइटिंग है क्या। दुनिया की चौथी सबसे, नहीं दुनिया नहीं, भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी आईटी की, कौन सी बेटा? विप्रो। विप्रो के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया जिससे यह विवाद उठ खड़ा हुआ। विप्रो ने कहा कि जहां भारत में है, भारत की बात करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ये जो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है प्रिया ग्वाल वैदेही, ये इलीगल है। बहुत ज्यादा चर्चा और चमत करिए। अब विप्रो कह रही है, इतनी बड़ी आईटी कंपनी कह रही है, हजारों करोड़ की आईटी कंपनी कह रही है, उसका चेयरमैन कह रहा है, उसका चेयरमैन कोई आम आदमी नहीं है, वो नॉस्काम में भी काम कर चुका है सबसे बड़े पद पे। तो कहने का मतलब है कि जब दुनिया भारत के सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक विप्रो कह रही है कि ये इलीगल है, हमें यह जानना और समझना है कि मून लाइटिंग इस देश में किस एक्सटेंट तक लीगल है, और मून लाइटिंग के जो डिफरेंट फैसेट हो सकते हैं, मतलब मून लाइटिंग क्या है, कैसे है, क्या क्या आएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, इन सारे विषयों को हमें पढ़ना पड़ेगा। मून लाइटिंग का मतलब है बेटा बिना बताए दूसरी जगह काम करना। मैं अनएकेडमी पे काम करता हूं, वैसे अनएकेडमी पे ऐसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है अनएकेडमी पे एजुकेटर का, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं कहीं काम करता हूं,
जहां काम करता हूं बिना बताए मैं दूसरी कंपनी में भी काम करने लगूं। एक विषय तो है कि मैं बता के काम कर रहा हूं, एक विषय है कि चलिए एपी सर 60 घंटे अनअकैडमी में पढ़ाएंगे, फिर एपी सर के जीवन में जो उनको सही लगता है वो करेंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, और बेटा एक तरीके का प्रोटोकॉल है, एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है, आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। सरकारी नौकरों के लिए तो ये बात पक्के तौर पे फेमस है कि भैया तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो तो दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जब उनके अपॉइंटमेंट होता है तो वो लिखवा लेती हैं कि आप दूसरी जगह पर काम नहीं कर सकते। ये जो बिना बताए काम करने का विषय है कि हम एक जगह काम कर रहे हैं बिना बताए दूसरी जगह काम करेंगे, इसी को बेटा कहते हैं मूनलाइटिंग। ऐसा बहुत मतलब अमेरिका वगैरह में लंबे समय पे हो रहा है। बेसिकली लोग हमारे यहां भी जो वीकेंड होता है उसमें कर लेते थे। बहुत सारे दिल्ली बेंगलोर में रहने वाले लोग बेटा ओला गाड़ी चलाते हैं, चलाते थे। ओला ना शुरू में इंसेंटिव वगैरह बड़ी अच्छी देती थी, तो दिन भर 9 से 5 अपना काम वगैरह किया। रात को मैंने दिल्ली में देखा एकदम बढ़िया, मतलब 1.5 लाख रुपया कमाने वाला, 2 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति बेटा ओला चला रहा है। ज्यादा पैसा चाहिए तो ऐसा नहीं है, भारत में था नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं रिकॉग्नाइज करना या कहते हैं जिस विषय पर चर्चा करना, ये अभी शुरू हुई है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया विप्रो वाला, इसने इस विवाद को हवा दे दी। ठीक है, तो मूनलाइटिंग मतलब रात में काम कर लीजिए या वीकेंड में काम कर लीजिए। अब ये विषय चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये जो नास्कॉम है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज जो है नास्कॉम ने बेटा, जो नोएडा वाली ब्रांच है इनकी, यहां पर एक शिकायत आई कि एक व्यक्ति का अकाउंट 7 जगह पीएफ ऑफिस में है। समझिएगा, एक व्यक्ति है उसका अकाउंट 7 पीएफ ऑफिसेस में है, पीएफ ब्रांचेस में है। इसका मतलब वो 7 जगह नौकरी कर रहे हैं। नास्कॉम ने कहा यार ये कैसे हो सकता है, खोज हुई, पकड़ा गया वो आदमी, पता चला एक साथ वो व्यक्ति 7 जगह काम करता था। भाई जहां जहां काम करेगा वहां पर पीएफ होगा। आप समझिए ये विषय, एक तरफ विप्रो चेयरमैन कह रहा है, दूसरी तरफ जैसे कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती है। वो दामनी वाला हत्याकांड हुआ, एक बड़ी घटना हो गई और देश ने बेटा पॉस्को को लेकर अपने कदमों को आगे बढ़ाया। पता चला यार 7 जगह काम कर रहा है। बाय द टाइमिंग इस विवाद में कूद गई स्विगी। स्विगी बेटा आप लोगों को पता है, प्रिया अग्रवाल को तो खास तौर पर पता होगा, क्यों अमृता वैदेही, इस विवाद में कूद गई स्विगी। स्विगी ने कह दिया हमारे यहां वैलिड, हम अपने एम्प्लॉयज को कहेंगे आप हमारे यहां काम करो, कुछ शर्तों के साथ आप दूसरी जगह भी काम कर सकते हो। स्विगी ने कहा कि हम पब्लिक पॉलिसी फर्स्ट बनाएंगे, पब्लिक फर्स्ट पॉलिसी, सॉरी स्विगी ने कहा कि हम लोगों का भला, लोगों का कल्याण, लोगों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनाएंगे। कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से आप अगर काम कर रहे हैं स्विगी में तो आपके पास परमिशन है, अनुमति है कि आप दूसरी जगह भी काम कर लीजिए। यह विवाद और बढ़ गया। भाई स्विगी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जब स्विगी इस बात की अनुमति दे सकती है तो दूसरे जो स्विगी की तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस बात की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली इसके कुछ फायदे नुकसान में टॉपिक में जाने के पहले तुमसे बेटा शेयर करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति एक जगह काम कर रहा है तो दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकता, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मुझे लगता है अगर तुम लोग वो पढ़ लोगे, समझ लोगे तो निश्चित तौर पर तुम लोगों को मदद मिलेगी। अगर मैं अपने प्रूडेंशिया से सोचता हूं, मतलब मुझे अगर लगे कि जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मूनलाइटिंग होनी चाहिए और मुझे यह अनुमति होनी चाहिए कि मैं दूसरी जगह काम कर लूं, तो फायदे के रूप में बेटा अपन क्या कर सकते हैं, फायदे के रूप में मेरिट में मूनलाइटिंग पॉलिसी में हम यह कह सकते हैं कि हो सकता है मेरा पैशन हो। भाई देखो नौकरी करना इज वन थिंग, वो तो परिवार चलाना है, जीवन चलाना है, लेकिन हो सकता है मेरा पैशन भी हो किसी काम को करने का, तो मैं अपने पैशन को प्राप्त कर सकता हूं। नहीं, जीवन में मेरा पैशन रहेगा तब तो मेरा जीवन जीवन होगा। एक तरीके से जो पैशन का विषय है वो आर्टिकल 21 से जुड़ा है। तो ये जो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पैशन से भी जुड़ा है कि वो नौकरी एक जगह कर रहा है लेकिन चाहता है यार सिंगर बन जाए, चाहता है बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाए, किसी होटल में जुड़ गया, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो। तो इसकी सबसे बड़ी मेरिट मुझे जो समझ में आती है वो पैशन। दूसरी सबसे बड़ी मेरिट, क्योंकि भाई मैं भी शादीशुदा व्यक्ति हूं, मेरे पास भी परिवार है, घर के खर्चे मैं टैकल करता हूं। दूसरा सबसे बड़ा जो बेटा इसका फायदा है वो है
ये जो आमदनी चवन्नी वाला हिसाब है, खर्चा रुपया वाला हिसाब है, इन्फ्लेशन, व्हाट डज इट मीन? मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि महंगाई, महंगाई चरम पे है, हमेशा रहती है। खैर, अब महंगाई को काउंटर करने के लिए पैसा चाहिए। एक कंपनी में काम करने से हो सकता है बेटा मेरे पास इतनी कमाई ना हो, मैं एक से ज्यादा कंपनीज में काम करूं, मून लाइटिंग के तहत काम करूं, पैसा ज्यादा मिल सकता है। क्यों, मानते हो कि नहीं मानते हो? योग्यता भारतवंशी, राकेश पांडे, वैदेही, ठीक है राहुल, हाँ राहुल ने कहा एक जॉब से खर्चा नहीं चलता। तो दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है बेटा कि मेरे, मैं ज्यादा नौकरी करूंगा, अगर मैं कैपेबल हूं, कॉम्पिटेंट हूं, मेरे पास समय है इतना, मैं दो जगह नौकरी करूंगा, दो जगह नौकरी करके पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा महंगाई को मात दे दूंगा। तीसरा बेटा विषय क्या हो सकता है, हमें चाहिए आजादी। व्हाट डज इट मीन? ये आजादी और पैशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय। आजादी मतलब भैया मैं कोई नौकर नहीं हूं, मैं आपके यहां 10 से 5 तक काम किया, अपने कंट्रीब्यूशन के साथ काम किया, आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं अपनी आजादी का प्रेमी हूं, मैं चाहता हूं किसी और जगह काम करूं, मैं चाहता हूं किसी और सेक्टर में काम करूं, मैं चाहता हूं किसी और टेक्नोलॉजी के साथ काम करूं। आप समझिए मेरी बात को भाई, आजाद देश का आजाद नागरिक हूं तो क्या मेरी यह आजादी नहीं है कि मेरा जहां मन करेगा वहां काम करेंगे? आपके यहां तो हम काम कर ही रहे हैं 9 से 5, 10 से 6, 11 से 7, कुछ भी मान लो। तो अब सवाल यह है कि यदि कोई वी द पीपल ऑफ इंडिया चाह रहा है कि मेरे पास ये आजादी होनी चाहिए तो ठीक है, लेट हिम ऑर हर बी अलाउड। चौथा सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है योग्यता? हां, नॉलेज, नॉलेज बिल्डिंग का। अच्छा ठीक है, एपी सर का एग्जांपल ले लेते हैं। एपी सर अनअकैडमी में काम करते हैं, अनअकैडमी यूनिकॉर्न है, बहुत हजारों करोड़ की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अनअकैडमी करिए गुरुजी, आप कहीं और काम मत करिए। अगर एपी सर बेटा पढ़ाने के साथ कहीं और, मान लीजिए आईटी सेक्टर में भी काम करने लायक है या करना चाहते हैं, तो एपी सर GS2 के महारथी तो है ही है, GS2 का स्पेशलाइजेशन एपी सर के पास तो है ही है। लेकिन बाय द टाइमिंग बेटा एपी सर जब आईटी सेक्टर में काम करना शुरू करेंगे तो एपी सर का नॉलेज बिल्ड होगा। एक तरफ GS2, एक तरफ बिल्कुल अछूता विषय आईटी सेक्टर। तो बेटा जब एपी सर पढ़ेगा, एपी सर बढ़ेगा, एपी सर पैसा कमाएगा तो देश भी तो बढ़ेगा, देश भी तो पैसा कमाएगा, एपी सर से ही तो देश बन रहा है। समझिएगा मेरी बात को, एक नागरिक बेटा अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकता है अलग अलग सेक्टर में काम करके। ये मून लाइटिंग का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उसके बाद बेटा काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। व्हाट डज इट मीन? अब वो जो सरकारी बाबू टाइप हैं, वो आराम से 11 बजे जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, दिन में समोसा वगैरह खाते हैं, पान खाते हैं और बेटा कहते हैं घर चलने का समय हो गया। समझिए मेरी बात को, जापान, जापान कैसे बना? कहा गया जापान में जब एटम बम गिराया गया और भारत आजाद हुआ, मतलब दोनों एक तरीके से पैरेलल है, पैरेलल टाइम में हुआ। लेकिन आज जापान जापान है, भारत बहुत दूर है उससे विकास में, टेक्नोलॉजी में। कहने का मतलब है बेटा लोगों ने काम ज्यादा किया, वर्किंग आवर ज्यादा बढ़ाया। तो मैं कह रहा हूं जब एपी सर से देश का निर्माण हो रहा है, समाज का निर्माण हो रहा है, तो एपी सर अगर 4 जगह काम करेगा बेटा तो उसके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसके समाज की क्षमता बढ़ेगी, उसके समाज से उसके देश की क्षमता बढ़ेगी। ये मून लाइटिंग के कुछ ऐसे फायदे हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? पैशन, इन्फ्लेशन, आजादी, नॉलेज बिल्डिंग, काम की क्षमता। अच्छा आप कहेंगे गुरुजी ये बात पहले क्यों नहीं हुई, ये विवाद पहले क्यों नहीं हुआ मूनलाइटिंग को लेकर? ये जो कोविड का पीरियड था, आप सभी को पता है वर्क फ्रॉम होम, ऐसा किसी का घर नहीं होगा, क्या कहते हैं कि जहां पर लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे होंगे। मेरा तो पूरा कोविड बीता। मैं अनअकैडमी का धन्यवाद इसलिए नहीं देता हूं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूं उसने मुझे मौका दिया, नहीं, अनअकैडमी का धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मैं अनअकैडमी तब ज्वाइन किया जब सारे लोग घरों में बंद थे, नहीं, और मैं अपने बच्चों के साथ दिन भर पढ़ रहा था पूरा 2021, 2-2, 3-3, 4-5 क्लास बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मतलब अकेले घर में बैठे रहते। आप समझिएगा मेरी बात को, कोविड में क्या हुआ, लोगों के पास समय था, लोगों के पास समय मतलब था ऐसे अगर ऑफिस जाना होता है, डेली ऑफिस जाना होता है तो लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस जाते हैं, पंच करते हैं, दिन भर ऑफिस में बिताते हैं, लंच करने के लिए आधा घंटा बेकार करते हैं, फिर ड्राइव करके घर पे आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, चाय पकौड़ा करते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। अब बेटा वर्क फ्रॉम होम में क्या फायदा हुआ, समय ही समय है,
काम करते करते खाना खा लो, काम करते करते नाश्ता कर लो, कहीं ट्रेवल नहीं करना है, जवाब देने बाहर जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, 10-14 करेंगे, समझिए मेरी बात को। ये मून लाइटिंग क्यों महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि बेटा कोविड ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि अगर मेरे पास समय है तो मैं 2 जगह काम कर सकता हूं, ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। और बहुत सारी कंपनीज भी ऐसा कह रही है कि ठीक है भाई तुम्हें लगता है तो तुम कर लो। ये कुछ बहुत मोटे फायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। अगर नुकसान में बेटा हम लोग बात करें मून लाइटिंग की, ये हेडिंग ही गलत है, यहां पे होना चाहिए मून लाइटिंग। अगर बेटा मैं डीमेरिट की बात करता हूं, 1, 2, 3 विषयों की बात करता हूं तो बंद करो कि क्या सबसे बड़ा नुकसान है। ये जो मून लाइटिंग है इसके कुछ डीमेरिट भी होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि मून लाइटिंग को दुनिया के तमाम देश या बड़ी बड़ी कंपनीज इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करने देना चाहती हैं बेटा कि इंसान की भाग दौड़ बढ़ जाएगी, और उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। व्हाट डज इट मीन? एक आदमी केवल एक जगह काम करता है, ध्यान से समझिएगा, तो बेटा पूरे शिद्दत से वो काम कर रहा है, दिन भर उसके दिमाग में केवल जैसे अन अकेडमी पढ़ाना है, ये करना है, वो, मतलब एक जगह है, उसको पता है बाकी कुछ करने का फायदा नहीं। अब एक से ज्यादा जगह काम कर रहा है तो बेटा भाग दौड़ बढ़ जाएगी, यहां पे जवाब देना है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी है, यहां पे डेटा भेजना है, वहां का प्रेजेंटेशन बनाना है। तो एक कंपनी के लिए जो लॉयलिटी है, एक कंपनी के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत घट जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए कंपनीज कहती हैं कि आप अगर हमारे यहां काम कर रहे हैं तो दूसरे बेटा आप कहीं काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान है, समय नहीं बचेगा। समय लॉन्ग रन में आदमी केवल पैसे के लिए, पैसे के पीछे भागेगा, नौकरी के पीछे भी भागेगा, तो बेटा वो अपने परिवार पर समय कब देगा, अपने ऊपर समय कब देगा। बात यह सोसाइटी से जुड़ी है ना, आपको चाहिए आजादी, बेटा ऐसा थोड़ी आजादी चाहिए तो कुछ भी करोगे भाई। हम लोग कहते हैं ना पब्लिक पॉलिसी जैसा विषय भी होता है, तो कहने का मतलब है अगर आपने मून लाइटिंग को रिकॉग्नाइज कर दिया तो उस व्यक्ति के पास समय तो बचा ही नहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दिन भर बेटा वो पैसा कमा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो विषय है बेटा, नौकरी छोड़कर जाना, अब आप समझिएगा, मतलब मून लाइटिंग ऐसा विषय है कि किसी व्यक्ति की जुबान पर पैसा लग गया। अब एक कंपनी में कह रही है कि आप काम नहीं कर सकते हमारे यहां अगर आप 2 जगह काम करेंगे, अब उसकी जुबान पे पैसा लग गया है तो वो कहेगा कि हम आपकी कंपनी छोड़ देंगे क्योंकि आप हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं कि हम दूसरी जगह पे काम करें। ये कंपनी के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। इस विषय को बेटा कहते हैं कॉरपोरेट भाषा में एट्रिशन, ठीक है। एट्रिशन रेट की चर्चा भी मैं अभी आप लोगों से करूंगा कि एक कंपनी बेटा बड़ी मुश्किल से किसी योग्य कैंडिडेट को खोज के लाती है। अब वो योग्य कैंडिडेट क्या कर रहा है, दूसरी कंपनी के लालच में बेटा जो कंपनी मना कर रही है आप दूसरी जगह काम नहीं करेंगे उसे छोड़कर चला गया। अब वो कंपनी का पैसा गया, समय गया, योग्य आदमी गए। एट्रिशन रेट इतना खतरनाक है, अगर आप आईटी सेक्टर में बेटा चाहे विप्रो की बात कर लो, आप इंफोसिस की बात कर लो, आप टाटा की बात कर लो, इस एट्रिशन रेट को लेकर बेटा इतना बवाल है, सारी कंपनीज परेशान है। इसीलिए विप्रो ने कहा कि ये गलत है, ये इलीगल है, आप झूठ मूठ की इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है बेटा इंफोसिस का अगर मैं उदाहरण दूं, इंफोसिस के मार्च 2021 के आंकड़े मेरे पास है, कंपनी छोड़ने वालों की तादाद लगभग 15% थी। अभी इंफोसिस इस बात से जूझ रही है, परेशान है बेटा कि उसकी जो एट्रिशन रेट है, कंपनी छोड़कर जाने वालों की जो रेट है वो 27.7% हो गई है। इंफोसिस परेशान है, टाटा वाले परेशान हैं। टाटा वाले बेटा पिछले साल अपने यहां 7% एट्रिशन रेट को झेल रहे थे, इस समय टाटा में 17% का एट्रिशन रेट है। परेशान है लोग, छोड़ के जा रहे हैं। भाई छोड़ के जा रहे हैं तो कंपनी की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा ना, बड़ी मुश्किल से जो कंपनी है, जो एचआर है बेटा वो खोज कर लाती है। आप एससीएल की बात कर लो, सबसे ज्यादा एससीएल परेशान है, पिछले साल बेटा 9% की एट्रिशन रेट थी, इस समय 21% एट्रिशन रेट है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने मून लाइटिंग को रिकॉग्नाइज कर दिया तो फिर हमारी कंपनी का क्या होगा। क्यों भाई राहुल नगर बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? और बेटा एक दो लोग तो काम करते नहीं आईटी इंडस्ट्री में, 48 लाख के करीब, मतलब सही है आंकड़ा मेरा,
48 लाख से ज्यादा लोग बेटा इस देश में आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो अगर मून लाइटिंग जैसी पॉलिसी को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तब आप समझिए क्या होगा। जैसे ही कंपनी ने मना किया और मतलब प्रोडक्टिविटी हम दे नहीं रहे, लॉयल्टी वो दे नहीं रहे, कॉन्ट्रीब्यूशन वो दे नहीं रहे क्योंकि चार जगह काम कर रहे हैं, कंपनी ने मना किया तुमको छोड़ देंगे क्योंकि तुम हमको काम नहीं करने दे रहे हो। तो बहुत बड़ा ये विषय है। अब स्विगी ने कर दिया, अब दूसरे सेक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि दूसरे सेक्टर वाले क्या करेंगे। तो ये मेरी समझ थी, मतलब किसी भी टॉपिक में मैं चाहता हूं पहले अपनी समझ बता दूं, जो पीपीटी वगैरह किसी एडिटोरियल का छपा छपाया मटेरियल ना हो। अब चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल पर जो बढ़िया आर्टिकल है और आपके समझाने के लिए बेटा सफिशियंट है। ठीक है, देखो मून लाइटिंग कितना बढ़िया है, काम लैपटॉप पे ही हो रहा है लेकिन एक काम दिन में हो रहा है, एक काम रात में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जोश में कमी लाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जस्ट लास्ट वीक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी अनाउंस्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट मून लाइटिंग पॉलिसी बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉइज टू वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट आफ्टर वर्क। जो मैंने आपसे कहा स्विगी ने कर दिया, एक नई बहस छेड़ दी देश में कि भाई स्विगी अलाउ कर रहा है तो तुम भी करो। लेकिन रिशद प्रेम जी की बेटा मैं बात कर रहा था, ठीक है। डेज आफ्टर स्विगीज अनाउंसमेंट विप्रो चेयरमैन रिशद प्रेम जी टर्म द कॉन्सेप्ट एज चीटिंग। On Saturday, he tweeted, "There is a lot of chatter about moonlighting the tech industry. This is cheating, plain and simple." ये जो रिशद प्रेम जी है ये इतना सीनियर व्यक्ति है कॉरपोरेट जगत का कि नासकॉम में भी बेटा बहुत ऊंचे पद पर ये काम कर चुके हैं, इस समय विप्रो में है। इन्होंने कहा ये चीटिंग है, हम अलाउ नहीं कर सकते हैं अपने यहां। अब ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, इतनी बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है विप्रो, मतलब आप समझ सकते हैं बेटा। तो ठीक है, रेशद प्रेम जी ने यह कहा इसलिए यह विषय और भी महत्वपूर्ण बन गया। तो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस हमसे कहता है कि यह मून लाइटिंग पॉलिसी है क्यों और निश्चित रूप से पिछले दो सालों में क्यों इस तरीके के मून लाइटिंग के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो मैंने आपको बताया उसे इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, आप एक बार मेरे साथ समझ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है बेटा। इंडियन एक्सप्रेस कहता है मून लाइटिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग अ सेकंड जॉब आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस। मतलब नॉर्मल बिजनेस आपकी जरूरत 10 से 5 तक है, 10 AM to 5 PM। अब इतनी आप जॉब कर रहे हैं इसके बाद आप 7 बजे से और शुरू कर दे रहे हैं, 7 से 10 वहीं घर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, बस यही है मून लाइटिंग। ठीक है, कि अपनी जॉब के अलावा दूसरी जॉब भी कर रहे हैं। अब ये मैंने बता दिया, क्या बताऊं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज जुलाई कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सर्वेज ऑफ 400 पीपल अक्रॉस द आईटी एंड द आईटीईएस स्पेस रिवील्ड दैट 60% न्यू ऑफ पीपल परसुइंग पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज और मून लाइटिंग वाई वर्किंग फ्रॉम होम। अब आप समझिएगा पिछले दो सालों में जो COVID-19 का पेंडेमिक था, कोटेक वालों ने एक सर्वे किया, ठीक है। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है इसमें कोटेक वालों ने सर्वे किया और इन्होंने कहा भैया एक दो नहीं, लगभग जो वर्क फोर्स है जो घर से काम कर रहा है 65% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेटा कहीं ना कहीं दूसरी जगह जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है, मून लाइटिंग रिकॉग्नाइज नहीं है, मून लाइटिंग लीगल नहीं है, मून लाइटिंग लेकर दुनिया विरोध कर रही है, मतलब जैसे मैंने कहा कि टाटा सामने किया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद 65% के करीब लोग बेटा दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। HR experts have attributed moonlighting as one of the factor that makes many reluctant to come back to the office. अब दिक्कत यह है वर्क फ्रॉम होम आप लोगों के यहां भी होगा बेटा, अभी बात बताओ उन लोगों से पूछो, जैसे मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी 2 साल करने के बाद। क्यों छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी अनएकेडमी का अलग आनंद है, देश भर के बच्चों से बात करो, परिवार के साथ रहो, घर के साथ रहो। आप लोग देखते होंगे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी बिटिया कूद गई, मतलब ऐसे मैं नौकरी करता तो बिटिया से बात नहीं कर सकता था, वीडियो कॉल नहीं कर सकता था। अब मैं पढ़ा रहा हूं मेरे इर्द गिर्द वो घूम रही है, हर समय आपको नहीं पता चल सकता, लेकिन आप समझिए एक पिता पुत्री का संबंध,
अब हमसे कल को कोई कहे बायजू वाले आ जाए, वो कहे गुरु जी हम आपको हर महीने 10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप एक काम करिए सीधे बेंगलोर आ जाइए, यही कहे तो एपी सर कहेगा अरे यार जाने दो, कौन इतना खर्चा है, अन एकेडमी के साथ संतुष्ट हैं, घर पे हैं, बढ़िया स्टूडियो है। ये बहुत बड़ा कारण है, ये जो मून लाइटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनी ने कहा चल बेटा वापसी कर ले, वो व्यक्ति 4 जगह नौकरी कर रहा है 3 जगह नौकरी कर रहा है, वो जान रहा है अगर हम ऑफिस में जाएंगे तो ये जुगाड़ तो बंद हो गया, तो उसने कहा हम ना आई, अरे कोविड चल रहा था तब वर्क फ्रॉम होम दिया था, क्योंकि हम ना आई हम करब तो घर में से। अब लो भैया दिस इज टेकन टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज बिफोर द कॉर्पोरेट ऑफ दिस कंट्री, कि लोग आना ही नहीं चाह रहे हैं ऑफिस में। तो अब दो विकल्प दे दिए गए हैं, घर से काम करो, ऑफिस से काम करो। घर से काम करोगे कम पैसा मिलेगा, मतलब आपके यहां लोग काम करते होंगे, आप इस विषय को समझ सकते हैं। क्यों अरुण दीक्षित, ठीक है पुरेंदु अश्वनी, समझ में आ रहा है बेटा ये विषय, कोई दिक्कत तो नहीं है। धर्मपाल सोनी देवी बहुत अच्छे, इनफैक्ट 42% ऑफ द पार्टिसिपेंट सेड दैट दे वुड कंसीडर चेंजिंग देयर जॉब और इवन क्विटिंग। सर्वे कह रहे हैं कि 42% लोग ऐसे हैं जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमको दूसरी जगह पर काम नहीं करने दिया जाएगा हम नौकरी छोड़ देंगे। मैंने एट्रिशन रेट के बारे में बताया, इंफोसिस के बारे में बताया, टाटा के बारे में बताया, विप्रो के बारे में बताया। आप समझिए ये जो एट्रिशन रेट है लोग छोड़कर जा रहे हैं, भाई एससीएल वाले परेशान हैं कि हमारे यहां 21.5% लोग प्रिया अग्रवाल नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, पिछले साल केवल 9.9 था। आखिर ऐसा एक साल में क्या हो गया कि दुगने से ज्यादा एससीएल जैसी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पॉलिसी का कि एससीएल ने कहा कि आप दूसरी जगह पर काम नहीं कर सकते। वन ऑफ द फर्स्ट, अच्छा जो मैंने बताया ये पता कैसे चला, एक व्यक्ति था, अच्छा वो जी गजब जुगाड़ू व्यक्ति रहा होगा। आप समझिए हम लोग मून लाइटिंग की चर्चा कर रहे हैं, गुरु गजब काम किया, 7-7 जगह नौकरी कर रहा है, वो भी नौकरी बेटा मतलब एस्टेब्लिश कहीं कर रहा होगा किसी संस्थान में, तभी पीएफ कट रहा है। पीएफ कहां कटेगा आपको पता है पीएफ के बारे में लॉज, मैंने एक बार बताया है लेबर लॉ में, 7 जगह उसका पीएफ अकाउंट डिटेक्ट हुआ, लोगों ने अपना माथा पीट लिया कौन है ये भाई, तब समझ में आया ओ मून लाइटिंग। इसी तरीके से बेटा एक और इंसिडेंट हुआ, एक मुंबई बेस्ड फर्म थी बेटा, ठीक है ना, तो वहां का जो आईटी हेड था ही कहां गया, रिफ्यूज टू अटेंड द ऑफिस डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, हिज जूनियर रेज्ड रेड फ्लैग आफ्टर दे डिस्कवर्ड दैट ऑफिशियल ईमेल वाज बीइंग यूज्ड टू सेंड लार्ज फाइल टू अनदर कंपनी। सबसे बड़ा घाटा यही है, आप लोगों में के, आप लोगों के घर में से यदि किसी ने आईटी कंपनी में काम किया होगा, कर रहे होंगे बेटा, तो इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ती जाती है, आप कैमरे वाला मोबाइल लेकर कंपनी में नहीं जा सकते हैं, आप व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम पर फाइल नहीं शेयर कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है उसका क्या नाम है, ऐसे है यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब आईटी, मेरा एक दोस्त है बड़े हायर पोजीशन पे, वो कहता है यार हम लोग क्या नाम है याद ही नहीं आ रहा है, केवल उस प्लेटफॉर्म पर मैसेज वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है आप समझिएगा, ऐसे अभी आप लोग बता देंगे मुझे, तो मतलब क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी जुड़ी है, क्योंकि आईटी सेक्टर है, ऑब्वियस बात है सारा काम लैपटॉप पे होना है, सारा काम बेटा बेटा सुरक्षा से जुड़ा होना है, मतलब आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो डिफेंस में भी जुड़ी हैं, देश के कम्युनिकेशन से जुड़ी हैं, मतलब बहुत जगह जुड़ी हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि यदि एक व्यक्ति को इस बात की अनुमति दे दी गई कि आप एक से ज्यादा जगह पर काम करो, तो बेटा वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी तो कर सकता है। क्यों ब्रीच, स्नैपचैट नहीं यार, तुम लोग तो इंस्टाग्राम के ऊपर जा ही नहीं सकते, शेयर मी गजब, ठीक है अभी मैं बता दूंगा, वो बहुत सेफ माना जाता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का विषय है ये भी बेटा मून लाइट से जुड़ा हुआ है, लिखते रहना देखो, मतलब एपी सर के मतलब इसे इसे पढ़ा रहे हैं एपी सर और कहानी में डुबो दे रहे हैं, छूट ना जाए, मतलब लिख लेना मून लाइटिंग में सबसे बड़ा इशू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, क्योंकि ये वहां से पकड़ा गए, ये अपने कंपनियों के लैपटॉप से, कंपनियों के मतलब जो नेटवर्किंग विषय है उसी से बेटा कंपनी की फाइल दूसरी जगह भेज रहे थे, आईटी हेड थे, समझिए मेरी बात को, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से बेटा एक और इंसिडेंट हुआ जहां पर
बेंगलोर की एक आईटी कंपनी थी, वहां के जो 12 मतलब 12 कोडर थे बेटा, वो मूनलाइटिंग करते हुए पकड़े गए। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इनको फायर नहीं किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बन जाओ। अब आप समझिएगा, बेंगलोर की एक कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, उसके यहां के 12 कोडर बेटा पकड़े गए मूनलाइटिंग करते हुए, कंपनी के साथ वो दूसरी जगह पर नौकरी कर रहे थे। कंपनी ने सोचा यार हटा देंगे तो हमारा नुकसान है, कंपनी ने कहा एक काम करो तुम हमारे यहां कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बन जाओ, फुल टाइम मत बनो, ठीक है चलो भाई। अब कंपनी ने जो किया वो अपने लिए किया, व्हाट डज इट मीन, 12 कोडर छोड़ के चले जाएंगे, फिर 12 के लिए नया इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करो, नया रिक्रूटमेंट करो, नया चार को, मतलब आप समझिए बहुत लंबी प्रैक्टिस है ना, काबिल मिले ना मिले उनको ट्रेनिंग वगैरह दो। कंपनी ने कहा तुम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बन जाओ, मतलब कंपनी की मजबूरी हो गई। बेटा अगर इस कंपनी की मजबूरी हो गई तो आने वाले समय में विप्रो, एससीआर, टाटा जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, नहीं इन लोगों की भी मजबूरी हो सकती है भाई, लोग आने को तैयार नहीं है, लोग दूसरी जगह काम छोड़ने को तैयार नहीं है, इससे अच्छा ठीक है भैया तुम कर लो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे एड्रेस करना होगा, क्योंकि बेटा लॉ एक जैसा तो रहता नहीं, सर्कमस्टेंसेस एक जैसा तो रहता नहीं, वो तो बदलेगा खुद को, व्यवस्थाएं कॉरपोरेट जगत की बदल रही हैं खुद को। इसीलिए मैंने कहा यह विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह सब्जेक्ट कानून का है, और बेटा जहां कानून है वहां GS2 है, ठीक है। सो इन द लास्ट 2 years मून लाइटिंग हैज बिकेम अ बिग कंसर्न इन द आईटी इंडस्ट्री ड्यू टू द लॉस ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज। जो सबसे बड़ा मैंने आपसे कहा यह जो एट्रिशन रेट की मैंने चर्चा की, बेटा कंपनी क्यों परेशान है, क्योंकि यार काबिल लोग छोड़कर चले जाएंगे, यदि आज अनअकैडमी एपी सर छोड़ के कहीं और चले जाएं तो अनअकैडमी के मैनेजमेंट को दुख होगा, यार ठीक एक अच्छा टीचर था, एक गोल्ड मेडलिस्ट टीचर था, क्यों चला गया, सोचेगी आप समझिएगा। अब मेरे जैसे हजारों लोग कंपनी छोड़ दे तो बेटा कंपनी को सोचना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो रही है यार, हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयज जिनकी वजह से कंपनी का प्रोडक्शन है, कंट्रीब्यूशन है, अगर वो चले जाएंगे तो कैसे होगा। एक सर्वे के बारे में बताता हूं, विलिश टावर वॉन्सन, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया, रीइमेजिनिंग वर्क एंड रिवॉर्ड सर्वे रिवील्ड दैट इन द पास्ट 2 years फाइंडिंग एंड रिटेनिंग द राइट टैलेंट हैज बिकम द बिगेस्ट कंसर्न। सबसे बड़ा इशू है बेटा कि राइट टैलेंट को पाएंगे कैसे, वो तो आपको छोड़कर चले जा रहे हैं और कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपके यहां टिके रहेंगे। तो यदि आपने मून लाइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर आपका जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड एम्प्लॉय है, वो आने वाले समय में आपका साथ छोड़ देगा। और अगर मून लाइट को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो जो मून लाइट से जुड़े चैलेंजेस हैं उनका क्या होगा, दोनों विषय है पक्ष विपक्ष। अब बैलेंस बिठाना है लेजिस्लेचर को, कंपनीज को। ये सर्वेज अब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। हां दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए मेरे साथ, अपनी समझ को बढ़ाइए मून लाइटिंग को। देन देयर इज द एमर्जेंस ऑफ क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म लाइक टॉप कोडर्स विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज थ्रू बींग आईटी प्रोफेशनल। बेटा बहुत बड़ी कंपनी है टॉप कोडर, पता ये क्या करती है, आपको एक प्रोजेक्ट देगी 2 महीने के लिए, क्या कहेगी कि 2 महीने में इस प्रोजेक्ट को कर लीजिए, हमसे 10 लाख रुपए ले लीजिए। अब जो एस्टैब्लिश आईटी इंडस्ट्रीज हैं, ये जो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है एक तरीके से इसी से जुड़ा है कि जो मतलब सेटल डाउन इंप्लॉयज हैं वो कह रहे हैं यार हम छोटे 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 प्रोजेक्ट 20 जगह से लेंगे। ये टॉप कोडर वगैरह को मतलब नहीं आप कहां काम कर रहे हैं कहां नहीं काम कर रहे हैं। एपी सर को कहा कि एपी सर एक काम करिए, ये GS2 का पेपर है, आप आ जाइए जयपुर, 40 घंटे में पढ़ा दीजिए, इतने टॉपिक, हमसे 10 लाख रुपए लेके चले जाइए। अब एपी सर खुश, कभी जयपुर कभी लखनऊ कभी बेंगलुरु घूम रहे हैं। आप समझिएगा, मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब कंपनीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि टॉप कोडर्स को कैसे काउंटर करें, क्योंकि वो तो एक ऐसी पुरानी व्यवस्था को लेकर चलना चाह रही है जहां पर व्यक्ति 10 बजे पंच कर दे, 5 बजे निकले। अच्छा वो तुम लोगों ने देखा होगा ना फैमिली मैन टू में वो जो एजेंट रहता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का, बीच में उसका मन थोड़ा बदल सा जाता है, वो एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और वहां पर बहुत छोटी उम्र का जो एक लड़का रहता है वो उसका बॉस रहता है। अब क्या हुआ जोधा, क्यों ठीक है क्या हुआ फिर आपको पता है ना, उसकी पिटाई हुई। क्यों पिटाई हुई, क्योंकि बेटा एक ओल्ड ट्रेडिशन है,
ओल्ड ट्रेडिशन क्या है कि एक व्यक्ति आएगा नौकरी करने, वो इतने घंटे की नौकरी करेगा, अपने घर चला जाएगा, एट द एंड ऑफ द मंथ उसके अकाउंट में हमें सैलरी क्रेडिट कर देंगे। अब ये सब पूरी गणित बिगाड़ दे रहे हैं टॉप कोडर वाले, ये लिख लीजिएगा जो एट्रिशन रेट मैंने बताया वो लिख लीजिएगा, टॉप कोडर का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपके आंसर में चार चांद लग जाएगा। तो जो सबसे मूलभूत सवाल है, क्या ये एथिकल है, आज के समय में आज की परिस्थिति में एथिकल नहीं है, क्योंकि बेटा जो मैंने कहा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, का बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा देश बदलता है, कानून खुद को बदलता है, संविधान खुद को बदलता है, तो आने वाले समय में जिस तरह हम एडल्ट्री को एथिकल नहीं मानते थे, अब हो गई एथिकल, लिव इन रिलेशनशिप को नहीं मानते थे, हो गई गे बाइसेक्सुअल एलजीबीटी, आप समझिएगा मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। वो जो केरला वाला मंदिर है वहां पे महिलाएं नहीं जा सकती थी, उसको भी आप एथिकल नॉन एथिकल कह सकते थे, अब जा सकती है। तो ये एथिकल तब तक नहीं है जब तक इसे लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं बेटा विश्वास से जुड़ा विषय है कि आप हमारे यहां काम कर रहे हैं, आप दूसरी जगह भी काम करेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे जो आपसे एक्सपेक्टेड है। और जहां आईटी इंडस्ट्रीज की बात है, जब ये लोग नॉर्मल चैट बेटा व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम पर नहीं करने दे रहे हैं, तो एक अपने एम्प्लॉय को दूसरी जगह जॉब कैसे करने देंगे, ठीक है। अब दूसरे जो विषय है, इज इट लीगल, ये भी सवाल है, ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, क्या ये कानूनी है एक से ज्यादा जगह पर काम करना। देयर इज नो ओवरआर्किंग लॉ विच प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग मल्टीपल जॉब्स, हाउएवर अ पर्सन इन सिमिलर नेचर ऑफ जॉब मे स्पार्क ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो मैंने आपसे कहा लॉट ऑफ कंपनीज हैव कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस इन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। कहने का यह मतलब है बेटा, यदि देश के किसी कानून की बात करो तो एक से ज्यादा जगह जॉब करने से किसी कानून का वॉयलेशन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के जो एग्रीमेंट क्लॉज होता है बेटा उसमें यह लिखा रहता है कि आप कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, एक से जगह ज्यादा जॉब करने पर कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सारे बच्चे मुझे बताओ मूनलाइटिंग समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताओ, मैं सबका कमेंट देखता हूं अगले दो मिनट। मुशर्रफ पटेल बहुत अच्छे, कविता निगम चलो भाई, अरे रोशन झा जग गए हैं क्या आज, वाह भाई रोशन वाह, दिल खुश कर दिए बेटा, बेचारा सुबह 5:30 बजे सोया है तब भी जग गया, बहुत अच्छे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इससे भी महत्वपूर्ण विषय, मैंने एग्जाम्पल दिया था कार्तिकेय का अनिकेत का, ये लोग गालिब की दुनिया में जीते हैं, भुजबल वगैरह, तो भूल जाने दो मुझे, तुम मुझे भूल जाओ, नदी के उस पार तुम इस पार हम, मतलब इन लोगों के जीवन से कुछ ज्यादा ही जुड़ा है। तो कहां गया जी मेरा अगला टॉपिक नहीं मिल रहा है, मेरा अगला जो विषय है बेटा वो विषय है, अब ये स्लाइड मेरे काम आ जाएगी,
क्या हो गया भाई? ये जो विषय है भूल जाने का अधिकार, ये भी मेरा एक ग्रुप है सुपर 60 का, कुछ बहुत प्यारे मेरे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वहां पर ये सारे बच्चे मुझे बताते हैं क्या पढ़ना है, क्या चल रहा है देश दुनिया में। राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक है ना, जिसे मैं कहता हूं ऐसे एग्जैक्ट भूल जाने का अधिकार गलत है, लेकिन तब भी समझाने के लिए मैंने यही लिखा, भूल जाने का अधिकार। अब ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है इस जमाने में, इस समय में, भूल जाने का, मुझे भुला दो, इंटरनेट से भुला दो, अपनी मेमोरी से भुला दो, अपने जीवन से भुला दो, तो ऐसे तो प्रेम प्रेमियों के बीच बहुत पुराना विषय है। लेकिन बेटा लॉ, अब ये जो है आर्टिकल 21 से जुड़ा है। अब आर्टिकल 21 यार देखो, ऐसा है कि ये निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। जो आर्टिकल 21 1950 में था आज तो रहा नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 14-15 नए अधिकारों को हमने आर्टिकल 21 में जोड़ दिया। अब भूल जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 से जुड़ा है, क्योंकि बेटा आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी एक स्टेब्लिश राइट है। आप सभी को पता है जो पुट्टू स्वामी वाला मुकदमा आया, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया गया राइट टू प्रिवेसी जो है इस देश में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 है। अब ये जो प्रिवेसी का विषय है, इसी में बेटा भूल जाने का अधिकार है। मान लो बेटा कोई कसम खाई के बैठा है, हम तो के ना भूलब, तो तुम कहोगे ना अरे यार क्यों नहीं भूलोगे हमको, मेरी प्राइवेसी का मैटर है, भूल जाओ हमको, मेरी फोटोज वगैरह डिलीट कर दो, वीडियोज डिलीट कर दो, मेरी न्यूज डिलीट कर दो। कहेगा हम नहीं करना चाहते, कहेंगे भैया राइट टू प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है। दिक्कत है आपके याद रखने से दुनिया भर के लोग हमको याद कर रहे हैं, हम नहीं चाहते, हम अपने जीवन में प्राइवेसी चाहते हैं। इसलिए यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि भूल जाने के अधिकार को किस एक्सटेंट तक हम रेकॉग्नाइज करेंगे। समझ में आई बात? जैसे आप समझिए, फेसबुक पे मैंने अपनी कोई फोटो डाली, अब वो जो आचार्य प्रशांत हैं, आचार्य प्रशांत के बीच में कोई फोटो वगैरह वायरल, वो स्मोक वगैरह कर रहे थे, शायद ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये कैसा गुरु है यार, ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत है वगैरह वगैरह। मैंने कहा इसमें क्या गलत है भाई, कोई व्यक्ति मान लीजिए आचार प्रशांत है, वो अच्छी बात कर रहे हैं, लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं, उनकी कोई फोटो वायरल हुई जिसमें वो स्मोक वगैरह कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, महाराज किया है तब तो बता रहा है। रामायण जिस व्यक्ति ने लिखी, आप समझिएगा, आप कहते हैं ना कि भाई वो बड़ा खराब व्यक्ति था, और बेटा उसने इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, तो मेरा पास्ट क्या है, केवल उसकी वजह से मेरा अवलोकन तो होना नहीं चाहिए। और यदि मैं चाहता हूं कि मेरे पास्ट में मुझसे कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसी यादें हैं, उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दो, तो बेटा कर देना चाहिए। और फेसबुक पे मेरी फोटो है, मैंने कहा डिलीट, आज से 10 साल पुरानी, फेसबुक से तो डिलीट हो गई, लेकिन बेटा उसके सर्वर पर पड़ी है, अब वहां से कैसे डिलीट होगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरी फोटो फेसबुक पे नहीं रहेगी, तो बेटा हर जगह से उसे डिलीट होना चाहिए। अब चूंकि इससे संविधान जुड़ा है, क्योंकि बेटा इससे बदलते हुए समाज के कानून की जिसे कहते हैं अवधारणा जुड़ी है, इसलिए यह भूले जाने का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि बेटा ये जो संवैधानिक इतिहास है, देखो अगर मैं तुम लोगों से यह पूछूं कि बेटा संवैधानिक इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे सर संवैधानिक इतिहास मतलब जो बदलती हुई चीजें हैं। भाई हमारे यहां 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनी रेगुलेटिंग एक्ट में, हम बदल रहे हैं खुद को धीरे 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 धीरे, ऐसे हजारों रेफरेंस हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन इस विषय की जो शुरुआत हुई, मतलब जो सबसे बेहतरीन विषय है, वो जस्टिस प्रतिभा ने किया बेटा। जस्टिस प्रतिभा दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, बड़ी लर्नेड। ये जो केस है ना, इसे आप लोग समझिए, बेसिकली ये विवाद वहां से शुरू हुआ, पता नहीं हमसे ये केस कैसे छूट गया। वैसे ये केस ऐसा है कि फुल फ्लेजर्ड क्लासेस पे चलनी चाहिए, ठीक है,
और नाम भी बड़ा अच्छा है, तुम लोग को हमेशा याद रहेगा। अच्छा सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर लिया, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो यार, 17 लाइक पड़े हैं। रुद्रा, जो मुकदमा है रुद्रा जो तुम्हें याद रखना है बेटा, वो है जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत सरकार। अब आप कहोगे कि गुरुजी याद करना है, मैं कहूंगा बहुत जरूरी है बेटा, भूल जाने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसी परिचर्चा है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है। बेसिकली बेटा दिल्ली हाईकोर्ट का यह विषय है राइट टू बी फॉरगॉटन का, जो डायरेक्टली जुड़ा है, और एक दो केस लॉ मैं तुम लोगों को बता दूंगा हुआ क्या इस केस में। यह समझ लो एक एनआरआई था, वो यूएस रहता था, यूएस से भारत आया और एनडीपीएस में उसके ऊपर एफआईआर हो गई। अब आप समझिएगा, एक एनआरआई है वो भारत आता है, भारत आने पर बेटा उसके ऊपर एनडीपीएस में एफआईआर हो जाती है, लेकिन एक साल के बाद ट्रायल कोर्ट उस व्यक्ति को एक्विट कर देती है। समझिए, वो वापस यूएस जाता है, अपनी पढ़ाई बेटा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ कंप्लीट करता है। अब उसके सामने चैलेंज है नौकरी पाने का, और क्योंकि बड़ा अच्छा था पढ़ाई में, यूएस से पढ़ा था। अब जहां नौकरी पाने जाता है, जहां नौकरी मांगने जाता है, इसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है बेटा, वो चैलेंज ये है कि जो एम्प्लॉयर इसका रिकॉर्ड खोल के देखता है तो पता चलता है इसके खिलाफ एक बार एफआईआर हुई थी, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, मल्टीपल जगह बेटा इसको इस विषय का सामना करना पड़ता है, एकदम थक हार के परेशान हो जाता है। ये वापस आता है बेटा, भारत आता है, और भारत में आकर बेटा एक रिट पिटीशन करता है। ये है रिट पिटीशन नंबर। रिट पिटीशन में दिल्ली हाईकोर्ट में कहता है एक बार बताइए योर लॉर्डशिप, प्रतिभा जी बैठी रहती हैं, जस्टिस प्रतिभा से कहता है मैम योर लॉर्डशिप सरकार एक बात बताइए, जब मुझे आजाद कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी तो कोई है नहीं इस देश में, तो क्यों मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे थे जब वो हटा लिए गए तो वो आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जिसकी वजह से मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार होने का मतलब है कि मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। जस्टिस प्रतिभा ने कहा बात तो देखो सही कह रहा है जोरावर, जोरावर गलत नहीं कह रहा था भाई, कोर्ट ने उसे आजाद कर दिया। अब हमारे साथ कभी क्या हुआ, हो सकता है गलत हुआ, हमें गलत तरीके से फ्राइवोलसली इंप्लीकेट किया गया, अब उसकी वजह से, उस दाग की वजह से जो गलत था, क्योंकि कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया, हम जहां जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में पड़ा, अरे जोरावर एनडीपीएस, अरे जोरावर ड्रग्स लेता था, अरे जोरावर गांजा मारता। अब हम कहने को बोलो कुछ भी कह सकते हैं, कोर्ट ने इस विषय का बेटा संज्ञान लिया। जोरावर ने क्या किया, तीन चार कंपनीज को बेटा नोटिस भेजी। जैसे जोरावर ने गूगल को नोटिस भेजी, गूगल की एक और कंपनी है गूगल LLC, उसको नोटिस भेजी, और दो और कंपनीज हैं, अच्छा मेरी फेवरेट इंडियन कानून, और एक और कंपनीज है उसका नाम है बेटा VLexin। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बेचारी यही मानी। जोरावर ने ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को नोटिस भेजा, कहा यार हटाओ, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत हुआ था, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। जस्टिस प्रतिभा ने जो एंट्री ऑर्डर दिया था उसी से बेटा यह विषय निकल के आया कि हां इस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। VLex.in ने बेटा अपने सारे डोमेन से जोरावर के खिलाफ जो FIR वाला विषय था उसे हटा लिया। कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा कंसिडरेशन था वो कंसिडरेशन ये था कि एक तरफ जिस व्यक्ति ने रिट पिटीशन की थी उसकी राइट टू प्राइवेसी, और दूसरी तरफ वर्सेस बनाम जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बेटा लोगों का अधिकार, राइट टू नो। अब कैसे बैलेंस करें, कहने का मतलब है भाई जोरावर के साथ जो हुआ, जो मुकदमा चला, उसके बारे में जानने का अधिकार है इस देश के लोगों को, लेकिन इस अधिकार की वजह से जोरावर की प्राइवेसी भी तो इंफ्रिंज हो रही है,
तो कोर्ट के सामने बेटा कंसिडरेशन था कि हम प्रिवेसी के साथ आगे बढ़े किसी व्यक्ति की, कि बेटा पब्लिक इंटरेस्ट में राइट टू नो के साथ आगे बढ़े कि भाई लोगों का जानने का अधिकार। अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि ये जो भूल जाने का अधिकार है, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये बेटा रिकॉग्नाइज तो है ही नहीं। अब कोर्ट करे तो क्या करे, भाई मालिक आ गया हमारे साथ कोई गलत हो उसको हटा दो इतिहास से। कोर्ट कहेगी कैसे, कोई लॉ भी तो होना चाहिए, क्योंकि राइट टू बी फॉरगॉटन कोई लॉ नहीं है, राइट टू प्राइवेसी है ये बात तो चलो पक्का है, लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन भूल जाने का अधिकार अभी रिकॉग्नाइज तो है ही नहीं। कोर्ट के सामने बहुत बड़ा ये चैलेंज था और अभी भी है, कि अल्लाह हाईकोर्ट ने काफी अच्छा काम किया, अभी मैं लाइव लॉ के उस केस पर आऊंगा। तो कोर्ट के सामने बेटा ये कंसिडरेशन था, आप लोग मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, सारे बच्चे बता दो। वेरी गुड योक्ता, शाबाश, पानी दो गरम। अब ये जो केस था इसमें बेटा एक रेफरेंस, मैंने कहा है आप लोगों से कई बार, आप लोगों को भारत के केस पढ़ने में दिक्कत होती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में जब मुकदमा चलता है बेटा तो दुनिया भर के केस लॉ की चर्चा की जाती है। ये जो मुकदमा चला दिल्ली हाई कोर्ट में, इसमें बेटा एक यूरोपियन केस की भी चर्चा की गई, वो भी इसी पर था, भूल जाने के अधिकार को लेकर। कहा यह गया कि किसी भी कंपनी का कमर्शियल राइट, मतलब फेसबुक पैसा कमा रही है हमसे, ट्विटर पैसा कमा रही है, इंडियन कानून वगैरह गूगल हमसे पैसा कमा रहे हैं, किसी भी कंपनी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरे राइट टू प्राइवेसी से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर मेरे बारे में कुछ गलत कहीं लिखा जा रहा है, मिसलीडिंग लिखा जा रहा है, जो नहीं लिखा जाना चाहिए वो लिखा जा रहा है, तो कंपनी केवल इस बात के लिए बेटा अधिकार प्राप्त नहीं है कि हाँ भाई मेरा अधिकार है कुछ भी छापने का, मतलब आपके साथ गलत हुआ, हुआ होगा गलत, हम तो यही लिख रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ। हम कह रहे हैं क्यों लिख रहे हो यार, जब वो चैप्टर क्लोज हो गया तो आप क्यों उस विषय को बार 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 दुनिया के सामने ला रहे हो। तो उस यूरोपियन केस में कहा गया था, जिसकी चर्चा बेटा इस केस लॉ में भी हुई, कि किसी भी कंपनी का कमर्शियल इंटरेस्ट मेरे राइट टू प्राइवेसी से बड़ा नहीं हो सकता। और यह भी कहा गया इस केस में कि ये जो पब्लिक राइट टू इंटरेस्ट है, अरे पब्लिक राइट टू नो है, ये मेरे राइट टू प्राइवेसी से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर ऐसा है पब्लिक राइट टू नो, तो कुछ भी जान लो मेरे जीवन के बारे में, क्योंकि लोगों के, हम मान के चलते हैं कि जहां लोगों के अधिकारों की बात आएगी तराजू उधर झुक जाएगा। लेकिन प्रिया ग्वाल आपको यह भी सोचना होगा बेटा कि अगर लोगों के पास इतना, मतलब इस एक्सटेंड तक राइट टू नो है, तब तो मेरी जिंदगी के बारे में कुछ भी जान जाए क्यों, तब क्या बचा। तो यह दलील भी दी गई कि देखिए पब्लिक राइट टू नो है, लेकिन इस एक्सटेंड तक नहीं है कि जो इस देश के लोगों का राइट टू प्राइवेसी है आप उसे भी इंफ्रिंज कर सके। तो कोर्ट ने कहा कि देखो भैया हमें क्या करना है, हमें बैलेंस स्थापित करना है, हमें राइट टू बी फॉरगॉटन की भी बात करनी है, हमें राइट टू प्राइवेसी की भी बात करनी है। इसी को लेकर बेटा जैसे एक केस लॉ तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक और केस लॉ है, उस केस लॉ का नाम है जुल्फिकार अहमद। अगर कभी समय मिलता है तो बेटा जुल्फिकार अहमद का जो केस है वो भी राइट टू बी फॉरगॉटन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, एक केवल रेफरेंस दे रहा हूं आपको, एक ये वाला केस पढ़ लेना, एक राउत वर्सेस उड़ीसा का है, क्योंकि पढ़ लेना इन द सेंस कि जब आपको समय मिलता है, वैसे तो ये जोरावर सिंह का केस भी आपके लिए काफी है। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 वाला, जो चलो पास नहीं हो पाया पूरी तरीके से, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का बेटा, ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की रिकमेंडेशन थी कि इसको बेटा स्टैट्यूटरी राइट बनाओ। तो अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो बेसिक फंडामेंटल है आने वाले समय में इस देश में लागू हो गया, तो बेटा ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये बेटा स्टैट्यूटरी राइट बन जाएगा, समझिएगा। जस्टिस बी एन कृष्णन ने कहा कि बदलते हुए भारत की जरूरत है इस अधिकार को आप रेकॉग्नाइज करें, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं की संस्तुति पे बेटा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 तैयार किया था। अब मैं चलता हूं बेटा लाइव लॉ की उस न्यूज पर,
जो मुझे योग्यता ने भेजी थी, ध्यान से पढ़ना समझना, ठीक है। 10 मिनट लूंगा आपका, फिर ये टॉपिक खत्म करेंगे। अच्छा, कल चूंकि 25 तारीख है तो कल बेटा हम लोग सिखों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बढ़िया टॉपिक है, उसमें मुगल हैं, उसमें सिख हैं, सब कोई है। तो जो सिखों का बलिदान है, सिखों का त्याग है, और जो हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, जब दुनिया क्रिसमस के बड़े दिन की ओर बढ़ रही होगी, हम लोग बेटा अपने देश के इतिहास को पढ़ेंगे कि हमारे देश में 25-26 को हुआ क्या और हमें गर्व क्यों होना चाहिए। बाकी वो ठीक है, सेंटा क्लॉज आए, हम उनका अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का सम्मान करते हैं, उस त्योहार का सम्मान करते हैं, सब्जेक्ट टू दिस कंसिडरेशन कि जो मेरा है, मेरे देश का जो बलिदान है वो हम ना भूलें। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिखों के बलिदान को आपके ऊपर पढ़ाऊं, ठीक है। चलो अब मैं इस लेक्चर पे चलता हूं। ऑब्जर्विंग दैट लेजिस्लेचर अलोन इज कॉम्पिटेंट टू एनुमिनेट ग्राउंड फ्रॉम क्लेमिंग द राइट टू बी फॉरगॉटन, केरला हाईकोर्ट ने कहा, जो मैंने कल भी कहा था कि एक नया राइट है। अब बेटा नया राइट होगा नहीं होगा ये तो लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, हम तुम तो करेंगे नहीं। केरला हाईकोर्ट ने भी कहा कि देखिए राइट टू बी फॉरगॉटन एक नया लॉ है, इसे लेजिस्लेचर ही रिकॉग्नाइज करेगी। एंड केरला हाईकोर्ट कार्व आउट एक्सेप्शन टू द क्लेम ऑफ सच अ राइट। द केरला हाईकोर्ट सेड इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन द कोर्ट मे हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट एंड डायरेक्ट रिमूवल ऑफ सच कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन। कहने का मतलब है कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर जब तक कानून नहीं बना रही है, हम अपवाद स्वरूप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस बात को प्रतिस्थापित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बेटा समय समय पर केस टू केस सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए भूल जाने के अधिकार को क्या करेगी, रेकॉग्नाइज करेगी। समझ में आया, जो जोरावर सिंह के साथ हुआ वो अब किसी के साथ नहीं होगा अगर कोर्ट को लगता है तो, क्योंकि बेटा लॉ तो फिर पार्लियामेंट ही बनाएगी, कोर्ट तो बनाएगी नहीं। तो कोर्ट ने बड़ा अच्छा विषय बतलाया, ये है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक, जस्टिस शोभा इपन, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो जानकारियां हैं भूल जाने का अधिकार अलग अलग जगह पे पड़ी हैं, तो यदि कोर्ट को लगता है तो उन जानकारियों को हटाया जा सकता है भूल जाने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए। समझ में आ रही है बात, एज सच कोई जनरल लॉ नहीं है, हट ही जाएगा, लेकिन यदि कोर्ट को लगता है तो जब तक लॉ नहीं बन जाता तब तक कोर्ट बेटा अपवाद स्वरूप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राइट टू बी फॉरगॉटन को रेकॉग्नाइज करेगी केस टू केस जहां जरूरत हो। जैसे कोर्ट ने कुछ आंसर दिया, कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चन थे बेटा, कोर्ट ने उसका आंसर दिया, आप समझिएगा, ठीक है। द कोर्ट सेड पब्लिक रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द पेटिशनर्स हू आर इधर अक्यूज्ड आर पार्टीज टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इरेस्ड फॉर एवर। कहने का मतलब है, कहा यह गया कि अगर आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर चला है, ठीक है, आपराधिक मुकदमा मतलब हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अगर इस तरह के मुकदमे चले हैं तो फिर वो रिकॉर्ड कभी नहीं खत्म होगा। मतलब चाहे वो व्यक्ति छूट जाए, चाहे उस व्यक्ति को सजा मिले, उसने अपील की हो, डिस्चार्ज हो, अप्रूवर बन गया हो, कुछ भी हो, कंप्लीट, मतलब आप समझिए, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम आया तो बेटा वो जानकारी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये लिखा रहेगा फलाना हैज बीन डिस्चार्ज, फलाना हैज बीन एक्विटेड, फलाना हैज बिकम अप्रूवर। समझ रहे हैं कि आपने मतलब गलती नहीं की, आपको छोड़ दिया गया या आप सरकारी गवाह वगैरह बन गए, लेकिन डिलीट नहीं होगा जब तक कोई लॉ ना बन जाए। दूसरा, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट टाइम विल इरेज मेमोरी। केरला हाईकोर्ट कह रही है देखो समय के साथ तो बड़ी बड़ी यादें धूमिल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे। जोरावर सिंह ऐसा थोड़े ना 2032 में भी याद किया जाएगा, अरे 3032 में भी याद किया जाएगा, 2021 का मुकदमा है, ठीक है। तो जोरावर आया कब था भारत, मुझे लगता है जोरावर 2009 का आया है क्या भारत, मतलब 2009 में आया था और उसके साथ ये सब जो कारनामा हुआ 2010-11 का है, ठीक है। फिर हाईकोर्ट क्या कहती है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ डिजिटल स्पेस ऑफ अलाउइंग इन्फॉर्मेशन टू रिमेन फॉर एवर वुड सर्टेनली अफेक्ट द राइट क्लेम एज अ राइट टू बी फॉरगॉटन। उन्होंने कहा यह दिक्कत कहां है, यह दिक्कत डिजिटल एरा में है। आज से 20-25 साल पहले थोड़ी ना ये दिक्कत थी भाई, 20-25-30 साल पहले बेटा इंडियन कानून थोड़ी ना था, लाइव लॉ थोड़ी ना था, कोई मुकदमा चला, किसी को सजा हुई, कोई छूट गया,
किसी किताब में दबा पड़ा है, किसको फर्क पड़ता है। लेकिन अब एनसीआरबी डीसीआरबी एक एक छोटी सी छोटी जानकारी को बेटा अपने सर्वर में सुरक्षित रखती है। पूरे देश में एक क्लिक से आपका आधार नंबर डाला गया, आपका नाम पापा का नाम डाला गया, या केवल आपका नाम डाला गया, केवल आपकी फोटो डाल दी गई, केवल फिंगरप्रिंट डाल, पूरी कुंडली खुल जाएगी। तो ये अभी का चैलेंज है, केरला हाईकोर्ट कह रही है। तो इंटरनेट के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है। द कोर्ट कैन नॉट जनरली बैलेंस द इंटरेस्ट क्लेम बाय इंडिविजुअल एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कोर्ट ने कहा देखो ऐसा हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं कि सारी जानकारियां मिट जाएं आपके खिलाफ। लेकिन बेंच कहती है द बेंच सेड कोर्ट विल बी एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन आफ्टर एडवर्टिंग टू द अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। कहने का मतलब है केस टू केस। कोर्ट ने जैसे फैमिली मैटर्स का हवाला दिया, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये कह सकते हैं, जैसे क्रिमिनल मैटर में नहीं डिलीट करेंगे। लेकिन अगर फैमिली मैटर है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी, मैट्रिमोनियल फैमिली मैटर, कस्टडी मैटर, इसके साथ बेटा रेप से जुड़े मैटर, सेक्सुअल हैरेसमेंट मैटर, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। कोर्ट ने कहा, मैं अंदर पीपीटी में नहीं जा रहा हूं अपनी, कि ये सारे जो मैटर हैं यहां पर बेटा कह मतलब अगर जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ, अगर वो चाहता है तो ठीक है, इन सारे मैटर में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, वैसे भी बेटा आपको पता है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उसमें महिला का नाम नहीं लिखा जाता है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई लिखा जाता है, नहीं जिसके खिलाफ अपराध हुआ, कहा ऐसे मैटर में हम तैयार हैं कि यदि वो व्यक्ति चाह रहा है, विक्टिम चाह रहा है, एक्यूज जो जिसके ऊपर आरोप था वो छूट गया, तो हम उसके जो नाम है उसको बेटा हम लीपा पोती कर देंगे। मतलब पता नहीं चलेगा किसके खिलाफ मुकदमा, किसके खिलाफ क्या कहते हैं अपराध हुआ, मतलब किसके खिलाफ मुकदमा यदि वो छूट गया। लेकिन एज सच केरला हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है बेटा राइट टू बी फॉरगॉटन पर, ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिकल 21 ने खुद को इतना ज्यादा बदल लिया कि राइट टू प्रिवेसी इस देश का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो यदि राइट टू प्रिवेसी को आप फंडामेंटल राइट बना रहे हैं, आने वाले समय में राइट टू बी फॉरगॉटन को भी फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा। और चूंकि यह बदलती हुई देश की व्यवस्था है, इसलिए बेटा आपको इस पर एक बहुत बढ़िया नोट्स लिखना होगा। जितना मैंने आपको बताया बेटा, वो जो जोरावर सिंह वाला केस है, जस्टिस प्रतिभा का जो कमेंट है, और ये जो केरला हाईकोर्ट वाला विषय है, इसको यदि आप लोग पढ़ेंगे, देखो ये है केरला हाईकोर्ट ने बेटा जो टिप्पणी की, वैसा के जी बनाम भारत सरकार एंड अदर कनेक्टेड केसेस 2022 का है। 2021-2022 के केस लॉ से आप इस विषय को लिख ले गए तो फिर क्या पूछना, मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन बहुत बढ़िया लिख सकते हो, ठीक है ना। बेसिक फंडामेंटल मैंने आदित्य आपको बता दिया, तो मैंने कहा कल अपन मिलेंगे और अपन जानेंगे चलो जानो सिखों की कुर्बानी को। व्हाट डज इट मीन, जो सिख धर्म है वो बेसिकली बेटा त्याग पर बना है, वो बलिदान पर बना है, इस देश के लिए, धर्म के लिए, वो सेवा पर टिका हुआ है, बहुत बढ़िया धर्म है ना। तो कल चूंकि 25 तारीख है तो मैंने कहा बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है, उसकी तो बधाई देंगे ही, महामना की बधाई देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की बधाई देंगे आपको। लेकिन बेटा कल का लेक्चर सिखों पर है और जो मुगलों ने अत्याचार किया सिखों के ऊपर, और कैसे उन्होंने उस बलिदान के बाद भी अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना देश नहीं छोड़ा, है ना, उस विषय पर है। तो अब आप मुझे जल्दी से बताएं कोई डाउट अगर आपके मन में है, नहीं तो अपन चलेंगे आज रात को, तो क्लास होगी पक्के तौर पर, ठीक है। राकेश, सत्या, आदित्य, योगता, सत्या सब समझ में आया बेटा, मेरा प्यारा सत्या पटना का रहने वाला है, अपनी नागरिकता बदल लिया है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा ये ऑफर बहुत बढ़िया है, अप्रॉक्स 48,000 में बेटा 21 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 21 मंथ्स, और इसके साथ बेटा जो कभी नहीं हुआ प्लस के बच्चों को भी 14,000 रुपए की किताबें मिल रही, पहले केवल आइकोनिक को मिलती थी, अब प्लस के बच्चों को भी मिल रही है। तो ये बेटा ऑफर बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो प्राइस है
ये फ्लैट 40% है, ठीक है। नए बैचेस शुरू हो गए हैं दो दिन पहले से, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जिसके पास भी पैसा नहीं है, पैसा में दिक्कत है, उसके घर को दिक्कत है, बेटा हम लोग कोई अंबानी अदानी के परिवार में पैदा नहीं हुए चांदी का चमचा लेके, सब मिडिल क्लास वाले हैं। आन एकेडमी लोन देती है, दो घंटे के अंदर मैं लोन कराता हूं, एक रुपया ब्याज में ज्यादा नहीं देना। मेरे सैकड़ों बच्चों ने लोन लिया है। मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, अभी मैं जब क्लास खत्म होगी तो कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, केवल तुम्हारे या तुम्हारे खानदान में किसी के पास यदि पैन और आधार है तो बेटा एपी सर लोन करा देगा। एक लिंक भेजेगा, टीम तुमको फोन कर लेगी, दो घंटे में हो जाएगा। लेकिन अब एडमिशन लेना ही है, आज लो चाहे आज से छह महीने बाद लो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बेटा कि डेली बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब आपको फैसला करना है आपकी शुरुआत कब होगी। चले ठीक है, चलते हैं, रात को मिलेंगे 10 बजे। आज रात को मॉक है। निखिल, पूजा, अंकित, तुम धर्मपाल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मॉक है, जरूर तुम लोग आना 10 बजे एप्लीकेशन पर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी होगा, अभी मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट भी कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।